सुनामी दनुमान एंड अकोबार आइलैंड वॉर स्ट्रक बाई सुनामी इन 2004. 2004 फोर टू थाउजेंड फोर में अनुमान अकोबार में आईलैंड में सुनामी आई थी सुनामी रेफर टू क्या है सुनामी सुनाज टाइडल जनरेटेड बाय अंडर वाटर अर्थक्स ऑन द सी फ्लोर समुद्र में आने वाले जो अर्थक्स होते हैं भूकंप होते हैं उनके कारण ही क्या होता है बहुत ऊँची ऊँची लहरें उठती हैं जिनसे कि सुनामी आती है दीज किलर वेवस कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी और ये वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि ये लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान करती हैं क्यों करती हैं क्योंकि ये वेव्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं और जब ये कोस्टल एरियाज़ में आती हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं और लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया लाइंग टू द वेस्ट ऑफ नर्दर्न प्लेन्स इन द वेस्टर्न राजस्थान इज़ नोन एज द दर्ड डेजर्ट यानी कि हमारे वेस्टर्न राजस्थान में जो नदन प्लेन्स हैं वहाँ पर जो डेजर्ट बना हुआ है जो डेजर्ट रीजन है जिसको कि हम थार डेजर्ट भी कहते हैं वो हमारे देश का सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट्स इट इज ऑल्सो कोल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट इट इज़ करेक्टरसाइज बाय वास सैंडी सरफेस फ्यू हिल्स एंड शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहाँ पे सैंडी सरफेस है बहुत ज़्यादा धूल भरी यहाँ की जो लेयर है सरफेस है धूल मिट्टी वाली है कुछ यहाँ पर हिल्स हैं और कुछ शिफ्टिंग ड्यून्स हैं यानी कि कुछ ऐसे ड्यून्स भी हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी होती हैं सैंड की बनी हुई टीले भी जिनको हम कह सकते हैं जो हवा के साथ साथ बह जाते हैं अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं तो दैट्स वाय दे आर कॉल्ड शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स दिस डेजर्ट एक्सटेंड इन टू पाकिस्तान ये जो डेजर्ट है पाकिस्तान तक फैला हुआ है इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द अरावली रेंज ईस्ट में अरावली रेंज इसकी सीमा बनाती है और साउथ में जो कच्छ का रन है गुजरात में वो और वेस्ट में सिंधु नदी जो है डस रिवर वो इसकी बाउंड्री बनाती हैं इसको बाउंड करके रखती हैं सो नाउ देर आर सम वर्ड मीनिंग्स दैट यू हैव टू नो सब कॉन्टिनेंट ग्लेशियर एंड ड्यून्स दैट यू ऑलरेडी रेड इन द चैप्टर सो यू कैन सी दे आर द शॉर्ट Answers or short meanings, you can learn them.